गाइस, कैसे आप सभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कि दो दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फ्रेडनर्स मैकडॉन के बारे में, जो कि आज हुआ है और क्या क्या हुआ हमारे फ्रेडनर्स मैकडॉन में। और हमारे गुंथन ने, जो कि हमारे इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन है, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, इसी की वजह से पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, चलते सीधे अपने टॉपिक के ऊपर। तो गाइस, आज के फ्रेडनर्स मैकडॉन की स्टार्टिंग हमारे जे उसू ने करी थी, और जे उसू के बाद तुरंत ही रोमन रेंस ने उनको इंटरप्ट कर दिया था। पर इन दोनों का हमें बहुत ही बेमिसाल प्रोमो बार देखने को मिला था, पर इस प्रोमो के एंड में जे उसो चले गए थे रिंग छोड़ के, और इस फ्रेडनर्स मैकडॉन के मेन इवेंट में ग्रेसन रेवोल वर्सेस जे उसो का मैच हुआ था। और इस मैच के बीच में रोमन रेंस आके ये मैच देखने लग गए थे, और जे उसो इन रोमन रेंस को देख के बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो रहे थे, इस वजह से जे उसो ये मैच हारने वाले थे। लेकिन फिर भी जे उसो ने अपना मौका संभाल लिया, वो ये मैच जीत गए। और गाइस, जैसे जे उसो ये मैच जीते, उसके बाद ही रोमन रेंस और सोलो सुकोवा ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, और सोलो सुकोवा ने समोन स्पाइक लगा दिया और रोमन रेंस ने स्पीयर दोनों एक साथ लगा दिया। इस वजह से जे उसो का आज फ्रेडनर्स मैकडॉन में बहुत ही बुरा हादसा हो गया इन दोनों के साथ। और गाइस, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि आप जे उसो बहुत ही ठीक हो, क्योंकि जिस तरह से रोमन रेंस ने सोलो सुकोवा उनके ऊपर अटैक करा है, वो लगता तो नहीं कि वो समर स्लैम में कम्प्लीट कर पाएंगे। लेकिन गाइस, ये सिर्फ एक स्टोरी लाइन है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गाइस, जो जे उसो थे, उन्होंने रोमन रेंस को उन्हें कई मोह स्पीयर लगाते हैं जैसे वो रिंग के अंदर आ रहे थे। तो गाइस, आज का फ्रेडनर्स मैकडॉन हमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिला था। और आज के फ्रेडनर्स मैकडॉन की जो व्यूअरशिप थी, वो थी 2.8 मिलियन। और गाइस, ये आज तक की सबसे हाईएस्ट मैकडॉन की रेटिंग है, जो कि हमें इस बार के फ्रेडनर्स मैकडॉन में देखने को मिली है। और इस बार के फ्रेडनर्स मैकडॉन में हमें एलए नाइट वर्सेस और सेमस वर्सेस एक समर स्लैम मैच द ग्राउंड जो होने वाला है नेक्स्ट वीक, उसके बारे में आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और गाइस, आज के इस फ्रेडनर्स मैकडॉन में हमें टैग टीम मैच देखने को मिला था, जो कि हुआ था जिसमें टीम अप करी थी बियांका बेलेर और शार्लेट फ्लेयर, जो कि फेस कर दी थी। जो गाइस, वो किसे फेस कर रही थी उसका नाम तो मुझे पता नहीं है, और मैंने आपको फोटो भी स्क्रीन पर नहीं दिखाई है, तो मुझे माफ़ कर देना। और गाइस, जो आज का फ्रेडनर्स मैकडॉन था, वो इसी तरह ख़त्म हुआ था। और गाइस, जो हमारे गुंथन ने जो रिकॉर्ड बनाया है, वो आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जो आज जे उसो पे अटैक हुआ है, इसके बारे में मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आज जो उनको अटैक हुआ है, बहुत ही बुरा अटैक हुआ है सोलो सुकोवा और रोमन रेंस की तरफ से। और सोलो सुकोवा एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि समर स्लैम के एंड में वो रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देंगे, और फिर इन दोनों को मैच हमें फास्ट लेन पेपर व्यू में हमें देखने को मिलेगा। और जो फास्ट लेन पेपर व्यू होने वाला है, वो होने वाला है सऊदी अरेबिया के अंदर। और गाइस, जो हमारे गुंथन है, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन का, जो कि हमारे थर्ड नंबर पर आते हैं। उन्होंने 440 का डेज बना दिया है अपना इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का। तो गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है गुंथर के लिए। आप इस बात से खुश हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और गुंथर को भी शुभकामनाएं दे देना कि उनका ये टाइटल इतना लंबा हो गया। और गाइस, अगले हफ्ते के लिए WWE ने समर स्लैम बैटल ग्राउंड एक ऐसा कुछ ऑफिशियल करा है, जिस मैच में अभी तक दो ही लोग ऑफिशियल करे हैं, एक तो एल एन नाइट और एक हमारे सेमस। तो गाइस, सेमस तो इस मैच में बिल्कुल जीतने वाले हैं, और एल एन इस मैच में जीत जाएंगे, क्योंकि जो WWE है, इन्हें बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। तो गाइस, हमारा एक और मैच होने वाला है, जो कि होगा 11 अगस्त को, जो कि होगा यूनाइटेड स्टेट चैम्पियनशिप के लिए सैंटोस एस्कोबार, क्योंकि सैंटोस एस्कोबार ने फ्रेडनर्स मैकडॉन में रे मिस्टीरियो को हरा दिया था। और गाइस, जिनको नहीं पता, जो रे मिस्टीरियो है, वो LWO के मालिक है, मतलब CEO है। तो गाइस, जिस तरह से वो मार रहे थे सैंटोस एस्कोबार रे मिस्टीरियो को, लगता नहीं आता कि उनके टीम पार्टनर है। और गाइस, अगले हफ्ते के लिए WWE ने मंडे नाइट रॉ के लिए एक प्रोमो दिखा देने का है, जो कि होने वाला कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में। और गाइस, इन दोनों को जो प्रोमो बार होने वाला है, वो एकदम खतरनाक होने वाला है। और जो पिछले अगले हफ्ते के लिए जो मंडे नाइट रॉ हो रहा है, उसमें लोगन पोल भी आने वाले हैं, और हो सकता है कि रिकॉशेट भी आ जाए। और गाइस, अगले हफ्ते के लिए एक सिंगल्स मैच भी WWE ने ऑफिशियल कर दिया, जो कि होगा वाल हाला वर्सेज सेल्सी ग्रीन के बीच में।
गाइस अगर आप सेल्फ ग्रीन में क्या वो तो मुझे पता नहीं है, पर ये एक अल्फा अकेडमी के एक मेंबर है। और गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको जल्दी जल्दी रोज़ अमेजिंग वीडियो नहीं मिलेगी। और गाइस कल की वीडियो में आपको इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ LWO से जुड़ी, जो कि रेम स्टूडियो की टीम में। पर तब तक के लिए बाय।